स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने काफी सारे कंटेनर्स देखे थे। उनमें से हमारे पास ये पिंक बॉटल भी थी और हमने बात करी थी कि इस बॉटल में 1 लीटर पानी आता है। अगर हम इसे 100 ml के कप से भरने की कोशिश करें तो हमें कप को 10 बार भरना होगा, यानी कि हमें 100 ml को 10 बार ऐड करना होगा, जिससे हमें 1000 ml यानी कि 1 लीटर पानी मिलेगा। हमारे पास आज एक और कंटेनर है, ये बाउल। आपको क्या लगता है कि इस बाउल में कितना पानी आ सकता है? क्या इस बाउल में इस बॉटल जितना पानी आ पाएगा? आंसर करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम बाउल में ऐसी ही एक बॉटल से हम बाउल को भरने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि इस बाउल में जितना पानी इस बॉटल में आता उतना पानी इसी बाउल में आ पाया। ये बॉटल जो हमने भरी थी पूरी खाली हो चुकी है, तो हमारी बॉटल में और हमारे बाउल में दोनों में ही 1 लीटर पानी आया, यानी कि 1000 ml। आप ये एक्टिविटी घर पर भी कर सकते हैं। आपको ये एक्टिविटी करने के लिए चाहिए होगा एक पतला और लंबा कंटेनर और दूसरा छोटा पर चौड़ा कंटेनर। आप दोनों कंटेनर्स में बराबर पानी डाल के देख सकते हैं कि किसमें ज्यादा पानी आया और किसमें कम पानी आया। आपको कंटेनर में पानी एक ही कंटेनर से डालना है, जैसे कि मैंने इस बॉटल का इस्तेमाल किया। याद रखिएगा, आप जो छोटा कंटेनर लेंगे वो छोटा हो पर चौड़ा भी हो।